तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज दिल्ली में भी मंडी हाउस पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में खास बात यह थी कि भगत सिंह जैसे शहीद को दिखाया गया तो मुगल बादशाह अकबर को भी आजादी आंदोलन में तिरंगा फहराते दिखाया गया है। किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली गई ये देखिए जरा इन तस्वीरों में, और हर हाथ में तिरंगा यहाँ पर नजर आ रहा है। देशभक्ति का जो जुनून है वो सिर चढ़कर बोल रहा है इन दिनों तमाम भारतवासियों के, और खूबसूरत तस्वीरें पूरे देश से निकल कर आ रही हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की धूम देखी जा रही है। और अब इसी पर हमारे सहयोगी संजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिएगा। देश भर में किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये लोग तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी सब यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये आप लोग कहाँ से आए, तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? तिरंगा यात्रा 15 अगस्त में आप भगत सिंह बने हुए हैं जी। आप भगत सिंह बनकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि देश आजाद मुल्क है, उसे साफ सुथरा रखें और हमारे देश स्वतंत्र रहे और हमेशा खुशहाली रहे। आपको भगत सिंह बनने के लिए किसी ने कहा था? बस आज हमारा मुल्क 9 से 15 अगस्त अमृत महोत्सव मना रहा है, इस खुशी में आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। सर किसके कहने पे तिरंगा यात्रा निकल रही है? किसके कहने पे तिरंगा यात्रा निकल रही है? यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा आप लोग निकल रहे हैं। ये किसके किसी के कहने पे निकाल रहे हैं? अपने आप निकाल रहे हैं, अपने आप निकाल रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग? ललित कला अकेडमी से निकाला है। देश की स्वतंत्रता मनाना है उसका, देश की स्वतंत्रता का, और भारत के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है, इसलिए इसको हम पूरे देश में मना रहे हैं। हमें स्वाभिमान है अपनी स्वतंत्रता पर, इस कारण से यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा विशेष बात यह है कि अपने देश में बहुत तरह के पर्व होते हैं और हर जाति हर धर्म के लोग अलग अलग पर्व मनाते हैं, लेकिन ये एक पर्व है, वो हमारा महापर्व है और पूरे देश के लोग मना रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है सर, आपने किसका गेटअप किया हुआ, कौन है ये? अकबर। अकबर, अकबर का इससे क्या लेना देना है? किससे? तिरंगा यात्रा देश की आजादी से। अब ये देश की आजादी से, अकबर का देश की आजादी से क्या लेना देना? लेना तो इनसे बात करो। आप क्या बन के घूम रहे भैया? आज हम जो हमारे वाणी, आपने किसका गेटअप किया हुआ है? हमारे चंबलों के जो हमारे सरदार थे वो गेटअप है हमारा। तो आप देख सकते हैं चंबल के डाकू बने हुए हैं। तो आपके पास गन का है? गन ये ना। अच्छा, गन भी आपके पास, चलाते भी इसको? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इससे आप? बस यही संदेश देना चाहते हैं, इस पावन पर्व पे खुश रहो, खुशहाली दो, मोहब्बत करो और देश को इसी। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है। सर ये किसका गेटअप किया हुआ है आप? आदिवासी। तो आप आदिवासी, आदिवासी के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी हैं सब लोग एकजुट के होके और एकता बना के सारे अपने भारत को लिए जंग करें। और आप देख सकते हैं जंग करना चाहते हैं, देश के लिए जंग करना चाहते हैं, देश की आजादी, देश की एकता के लिए जंग करना चाहते हैं। तो अलग अलग गेटअप में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश की आजादी के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।